गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आपको तो याद ही होगा कि कैसे पिछली बार मोमो ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था, यहाँ तक कि माइकल और उसके परिवार को मोमो ने मार डाला था। और फिर काफी कोशिश के बाद मैं मोमो को खत्म कर देता हूँ, पर पता नहीं अचानक कैसे मैं मोमो में बदल जाता हूँ, जिसके बाद शहर का क्या हुआ वो आप मेरे पीछे देख सकते हो। चलो गाइस अब यहाँ से शहर में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। ओ भाई साहब देखो मैं कितना ऊपर जा रहा हूँ यार, मैं तो आसमान में पहुँच गया। गाइस देखो सामने गाड़ियाँ कितनी दूर तक उछल कर चली गई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मोमो कितना पावरफुल है। अब इसको क्या हुआ, ये मेरे को क्यों मार रहा है? शायद मैंने उन गाड़ियों के साथ इसकी गाड़ी को भी उड़ा दिया। रुको इसको इसकी गाड़ी के पास पहुँचाता हूँ। इसकी तो बैंड बज गई। अबे ये क्या, ये तो जिंदा बच गया। इस बार मैं इसको उठाकर कहीं दूर फेंक दूंगा, लेकिन कहाँ पर फेंकूं वो सामने वाली बिल्डिंग सही रहेगी। यार ये बाइक किसकी है, समझो अब मेरी हो गई। अबे ये कितना अजीब लग रहा है सर, ये तो बिना हैंडल को पकड़े आखिर बाइक कैसे चला पा रहा है। ओके तो गाइस अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले मेरे घर चलते हैं, मेरे को चोप से मिलना है। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचे, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक साथ सब्सक्राइब बटन दबा दें, क्योंकि मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, पर आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा। ओके तो गाइस हम घर पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये सामने कौन खड़ा है? अरे भाई हट जा, बेचारा पता नहीं कौन था पर मारा गया। यार ये मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, वो भी बिना मेरी परमिशन के। देखो कैसे आराम से सिगरेट पी रहा है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई पुल पार्टी चल रही है। लेकिन अच्छा हुआ अब मेरे को खाना ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं मोमो बनाऊँ मेरे को काफी ज्यादा भूख लग रही है। अब मैं इन सबको खा जाऊंगा, सबसे पहले इस लड़की को। ओ भाई साहब इसको तो मैं पूरा निगल कर बाहर फेंक दिया। अब मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को पूरा का पूरा निगल जाऊंगा। ओके तो गाइस मैंने सबको खा लिया, अब मेरे को काफी अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन अचानक चोप को क्या हुआ, इसने मेरे पर हमला क्यों कर दिया? शायद इसने मेरे को पहचाना नहीं। ऐसा करता हूँ इसको भी खा लेता हूँ। सॉरी चोप, मेरे पेट में अभी भी थोड़ी जगह थी। चलो गाइस अब यहाँ से भी चलते हैं, लेकिन क्यों ना थोड़ी देर छत के ऊपर रुककर आराम किया जाए, क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से मैं ठीक से उछल नहीं पा रहा। अबे ओए ये अचानक से आर्मी कहाँ से आ गई? देखो सामने पुलिस का चोपर भी है, इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करे क्यों ना मैं इनको ही बर्बाद कर दूं। और ये बूम, मैंने कितना गजब मारा। अब इन आर्मी वालों की बारी है, बूम। ओके तो गाइस मैंने दोनों चोपर को तबाह कर दिया, लग रहा है अब इस टैंकर की बारी है। देखो मेरे को शूट करने की कोशिश कर रहा है, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब मैं इसको उठाकर किसी चोपर के ऊपर फेंक दूंगा। देखो सामने वो रहा, अब मेरा निशाना देखना। अबे नहीं ना यार, वो कितना सा बच गया। गाइस अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि अगर ज्यादा देर में यहाँ पर रुका तो आर्मी मेरे को मार डालेगी। अच्छा होगा मैं कहीं दूर चला जाऊँ। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज मैंने अपना सेकंड गेमिंग चैनल ओपन किया है, जहाँ मैं आपको काफी सारे और भी गेम्स खेलता हुआ मिल जाऊंगा। बस मेरे को आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मेरे काम को दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो जाओ और मेरे नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वहाँ पर आपको काफी सारे सरप्राइज मिलेंगे। और हाँ मैंने कुछ देर पहले ही उस पर एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है जो काफी जबरदस्त बना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और जाकर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अभी इस घर के अंदर क्या चल रहा है, मेरे को इसमें से म्यूजिक की आवाज आ रही है। अब तो अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा, शायद यहाँ पर कोई शूटिंग चल रही है। अरे नहीं यहाँ पर भी लोग पार्टी कर रहे हैं। बेचारे लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ये सभी मेरे पेट में जाने वाले हैं। अबे मेरे को धक्का क्यों लग रहा है, अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं। ये मेरे को कौन मारा, मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड ये चार हाथों वाला दानव कौन है और आखिर मेरे को मार क्यों रहा है? ऐसा करता हूँ इस आदमी को उठाकर इसके ऊपर जोर से फेंकता हूँ। अबे ओए ये तो हवा में लटक गया। अबे साले मेरे को जमीन में कहाँ ले जा रहा है? अब देखो कैसे हवा में फेंक दिया। अच्छा होगा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अबे ओए 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 छोड़ मेरे को, ये अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। गाइस मैं इतनी दूर चला जाऊंगा जहाँ तक मेरे पास कोई भी नहीं पहुँच सकता। ओके तो गाइस मेरे को लग रहा है मैं उस चार हाथों वाले दानव से बच गया। अबे नहीं ना यार ये तो यहाँ पर भी आ गया, इस बार तो मैं इसको मार कर ही जाऊंगा। बस ये एक बार पास में आ जाए और ये बूम।
हो, देखो वो कितना दूर गया। गाइस आखिर मैंने उसको मार डाला, देखो कैसे पुल के नीचे पड़ा है। गाइस अब मेरे को कैसे भी करके वापस से फ्रैंकलिन में बदलना होगा, लेकिन ऐसा होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक साथ लाइक बटन दबा दें। ऐसा करने में आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा। चल ये सामने अजीब रास्ता किस चीज का है, देखो दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। गाइस यहाँ पर तो काफी सारे फूल है, मुझे लग रहा है अगर मैं इस रास्ते का पीछा करता हूँ तो ये मेरे को ऐसी जगह पहुँचा देगा जहाँ जाकर शायद मैं ठीक हो जाऊँ। यार मैं तो किसी गुफा के पास में आ गया, आखिर इसके अंदर क्या होगा। यार यहाँ पर तो काफी सारी मुर्गियाँ हैं, देखो इनसे कुछ लिखा हुआ है EAT, eat, इसका मतलब है मेरे को इनको खाना पड़ेगा। अरे बाप रे, इसका स्वाद तो काफी गंदा है, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ेगा। ओके तो गाइस मैंने सारी मुर्गियों को खा लिया, अब मेरे को पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं। देखो धरती हिलने लग गई। Oh my God, यार मैं तो वापस से फ्रैंकलिन बन गया, पर अभी भी मेरा दिमाग हिल रहा है, मैं ठीक से सीधा चल नहीं पा रहा। पता नहीं मेरे को पूरा ठीक होने में अभी और कितना समय लगेगा। ओ भाई साहब, ये सामने से कौन आ रहा है। यार ये तो काफी सारे मोमो है, मेरे को जल्दी से सुरंग से बाहर निकलना होगा। भाग 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 भाग। पर एक मिनट, ये सभी अचानक रुक क्यों गए। गाइस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रोशनी में आने से डर रहे हैं। लेकिन एक बार सोच कर देखो, अगर एक मोमो इतनी तबाही मचा सकता है तो इतने सारे शहर की क्या हालत करेंगे। अगर आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना चाहते हो तो उसे मैं अपने सेकेंड चैनल पर ही अपलोड करूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाओ और जाकर सब्सक्राइब कर दो, और मैंने वहाँ नया वीडियो अपलोड भी कर दिया है, उसे जाकर जरूर देखना।